सूरत शहर के लिम्बायत में दिनांक 20/2/2023 को लिम्बायत पुलिस स्टेशन में सामाजिक कार्यकर्ता हासिम सिद्दीकी पर एक दुकानदार द्वारा हफ्ते वसूली और जान से मारने की धमकी देने की FIR दर्ज करवाई गई थी, जिसको लेकर आज सूरत शहर पुलिस कमिश्नर साहब को लिम्बायत के सामाजिक कार्यकर्ता तथा समाज के आगेवानों द्वारा हासिम सिद्दीकी पर लगे झूठे आरोप को हटाने के लिए आवेदन पत्र दिया गया, जिसमें स्थानीय लोगों का मानना है कि दुकानदार ने झूठी कहानी रचकर पुलिस को गुमराह करके झूठा आरोप लगाया जो बेबुनियाद है। ऐसे मामले में लिम्बायत क्षेत्र के एक सामाजिक व्यक्ति को गलत तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है और इसलिए समाज में बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा बताया जा रहा है कि ऐसे सेवादार पीड़ित हाशिम सिद्दीकी पर गलत इल्ज़ाम लगाकर और अन्य गंभीर अपराध में फंसाने की साजिश के तहत ऐसी झूठी शिकायतें पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई जा रही है। मेरा नाम है, मैं पद्मावती सोसाइटी लिम्बायत में रहता हूँ। हाशिम सिद्दीकी के लिए कमिश्नर साहब के पास मैं रजूआत करने के लिए आया हूँ। उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये खोटे जो है, वो हिंदू मुस्लिम या किसी कोई भी धर्म को हो उसके लिए जो है पूरी मदद करते हैं। लॉकडाउन हो में बहुत मदद किए लोगों की जो है, और वो अभी बिजनेसमैन है जो है, ऐसा कोई काम गलत काम नहीं कर रहे जो है, उनको गलत रास्ते पर ले जाया जा रहा है और बहुत सारे अच्छे आदमी हैं। उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि कोई से पैसा वसूल रहे हैं, कोई को धमकी दे रहे हैं, ये गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। कौन है जो आरोप लगा रहे हैं? ये आरोप लगाने वालों को हम नहीं जानते जो है, वो भी नहीं जानते जो है, ये खोटे आदमी है जो है, गलत आदमी है वो। उनको पुलिस स्टेशन में इनके विरुद्ध लिम्बायत पुलिस स्टेशन में जो है उनका भी FIR किए हुए है, खोटा FIR है, इसके लिए जो है तपास किया जाए जो है। रेखाबेन मनुभाई पटेल ने हमें ये पुलिस कमिश्नर की कचेरी में आया छे। शू रजूआत लेने आवे छे? आ हासिमभाई माटे। शू हासिमभाई माटे? हासिमभाई सारा मानस छे, हूँ आटला वर्षों थी रहूँ छू, पण कोई दिवस एमनी कई मगजमारी अम छे नथी मोहल्ला में, ने बधाने सहाय भी सारी करे छे। क्यारे भी कोई ने पैसा नी जरूर होय तो हिंदू मुस्लिम एवं कई जोटा नथी, ने आपणे जईए ने कहे कि भाई आ तकलीफ छे तो तरत ज के चलो हूँ मानस मोकलू छू, तमने जे तकलीफ होय ते तमे एमने बताई देजो तो आपने मदद करे छे। UN TV News, हर खबर पर होगी नजर।